गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोलन। तो आज मेरे ट्रिप की चौथे दिन है। आज 4 मई है और आज जो है मौसम एकदम क्लियर हो चुका है। ना ही बारिश हो रही है, ना ही बादल है, पूरे आसमान में धूप निकली हुई है। कल मैं नौराधार से चला था लगभग 9 बजे और मुझे सोलन पहुंचते पहुंचते लगभग 2 बज गए थे, 1:30 या 2 बजे बज गए थे। ठीक है, तो मैं एक बार अपने ट्रिप की आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि मैंने दिल्ली में 30 अप्रैल को अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी। मैंने दिल्ली से HRTC की वॉल्वो बस ली थी कसौली के लिए। कसौली के लिए तो कोई डायरेक्ट बस जाती नहीं है, लेकिन मैंने जो बस ली थी वो धर्मपुर तक की बस थी। जो बस शिमला के लिए जाती है वो आपको कसौली जाना था, धर्मपुर तक की टिकट लो और धर्मपुर में उतर जाओ। उसके बाद आप वहाँ से टैक्सी या बस लेकर कसौली जा सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट बस दिल्ली से कसौली के बीच नहीं चलती है। तो मैंने बस ली जो मुझे धर्मपुर में ड्रॉप किया और धर्मपुर से फिर मैंने टैक्सी लेकर कसौली में गया। तो पहला दिन तो मैंने कसौली एक्सप्लोर किया। दूसरा दिन मेरा प्लान था कि मैं सिरमौर में नौराधार जाकर चूरधार ट्रैक करूँ। अब जैसे कि अभी आप जान रहे हो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शायद चार धाम की यात्राएं भी बंद कर दी गई हैं, तो वही हाल यहाँ पे भी है। मैं 2 तारीख को नौधार लगभग मुझे 12:30 1 बज चुका था पहुँचने में। ठीक है, तो आधा दिन तो निकल ही गया था। तो मेरा प्लान था कि मैं 2 तारीख को ही नौधार में ट्रैक पर जाऊँगा, लेकिन उस दिन भी बारिश थी, मौसम अच्छा नहीं था और 12:30 1 बज चुके थे। तो मैंने सोचा कि मैं अगला दिन जाऊंगा। अगला दिन भी वही हाल, अगला दिन भी बारिश, वैसा ही वेदर, बारिश, ठंड, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। लेकिन तब भी मैं 3 तारीख को मॉर्निंग में, एक दिन होटल रुकने के बाद अगला दिन 3 तारीख को मैंने कोशिश किया कि मैं ट्रैक पे जाऊँ। तो मैं अपने होटल से निकल गया। होटल वाले ने मुझे मना किया कि अभी मौसम अच्छा नहीं है, आप कल जाना, आज भर रुक जाओ। पर मेरा मन माना नहीं, मैं निकल गया होटल से। ठीक है, तो जैसे ही मैं ट्रैक पे 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ा होगा, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, हवाएं चल रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा था। 2-3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही थी और उस ट्रैक पे उस समय कोई था नहीं। लगभग 7 बज रहा था कि 8, 7:15 हो रहा था उस समय मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था। और क्योंकि मैंने रेनकोट पहना हुआ था तब भी हवाएं बहुत तेज़ थी, बारिश हो रही थी और मैं थोड़ी तरीके से भीग गया था। और रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बोला कि आप अभी क्यों जा रहे हो, मौसम बहुत ख़राब है, ये मौसम सही नहीं है ट्रैकिंग के लिए, ऊपर काफ़ी ठंड है, ऊपर बर्फ़ भी आपको मिलेगी, ऊपर ओले भी पड़ सकते हैं, अभी मौसम बहुत ख़राब है और आप अकेले हो, आपको बहुत परेशानी होगी, आप मत जाओ, फंस जाओगे। तो उन्होंने मना किया। फिर आगे मुझे एक ढाबे वाले ने भी बोला कि अभी सही नहीं है वेदर ट्रैकिंग के लिए, आप आज भर रुक जाओ, कल आना। जब दो लोगों ने मुझे मना किया तो मैंने सोचा कि बारिश भी तेज़ हो रही है और हवाएं भी हैं, अगर बारिश नहीं भी होती, हवा सिर्फ होती, ठंड होती तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं चला जाता। लेकिन अकेले होने के कारण मेरा फिर हिम्मत नहीं किया। फिर दो लोगों के मना करने के बाद मैं वहीं से ही वापस लौट गया और मैंने ट्रैक ट्रैक नहीं किया। फिर जब मैं होटल में लौटा अपने, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं एक दिन और वहाँ पर स्टे करूँ। मैं फिर वहाँ से बस लेकर, नौराधार से बस लेकर मैं लौट गया सोलन के लिए। तो कल दोपहर में लगभग 1:30 से 1 के 1.5 बजे मैं सोलन पहुंचा हूँ और सोलन में मैंने एक सस्ता बजट फ्रेंडली होटल लिया है जहाँ मैं अभी हूँ। और कल सोलन में मैंने सुरली मठ टेम्पल एक्सप्लोर किया था जो कि बगल में ही मॉल रोड में है, और शाम में मैं मॉल रोड घूमने गया था। और यहाँ पे सोलन का जो रेलवे स्टेशन है, जो कालका शिमला ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन ना, उसका एक स्टेशन सोलन में भी पड़ता है और एक धर्मपुर में भी पड़ता है। तो मैं कल शाम में वहाँ पे भी गया था। आज जो है, आज मेरा प्लान जो है कि मैं चैल जाऊँ। चैल के बारे में आपको बता दूँ कि चैल जो है वो सोलन का बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। शिमला से भीड़ भाड़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप चैल जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैल बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है और चैल में आप जाओगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको याद होगा कि थ्री इडियट्स की एक मूवी, थ्री इडियट्स जो मूवी थी ना, उसकी कुछ पार्ट की शूटिंग चैल पैलेस में हुआ था। जो लास्ट का सीन है जहाँ जावेद जाफरी वाला सीन जो है, वो सीन जो है वो चैल पैलेस में शूट हुआ था। और चैल पैलेस का निर्माण जो है वो पंजाब के एक राजा थे, राजा
उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ही उसका निर्माण किया किया था। कुछ उनका नाम था, मैं कभी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो चैल पैलेस, और चैल में और घूमने की जगहें हैं। मैं आपको बता दूं कि चैल में और एक जगह है, वो काली माता का टेम्पल है, काली का टिब्बा। हाँ, काली का टिब्बा, काली का टिब्बा, वहाँ काली माता का टेम्पल है, वो ऊपर माउंट पहाड़ पे, ऊपर ऊंचाई पे, और वहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो चैल में और देखते हैं कौन कौन सी जगह पे। चैल में से है बहुत सुंदर जगह। अभी मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ चैल के लिए, लगभग 8 बजे यहीं से बस स्टैंड से चैल के लिए बस खुलती है, और मैं चैल पहुँच कर आप लोग से फिर से ज्वाइन करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। 2 hours later. वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं चैल में, और मैंने सोलन से चैल के लिए बस ली थी, जिसका भाड़ा मुझे लगभग 100 रुपये पड़ा था। और अभी जस्ट मैं चैल पहुंचा हूं। लगभग सोलन से चैल का डिस्टेंस जो है लगभग ये 35 या 38 किलोमीटर है, और शिमला से चैल लगभग 45 किलोमीटर है। ठीक है, चैल जो है एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ऑफ बीट जगह है, अनएक्सप्लोर जगह है, जहाँ पे आप चाह अगर शिमला की भीड़ भाड़ से आप बचना चाहते हो तो चैल में आकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही सुंदर है यहाँ के जंगल जो है, वह बहुत ही आपका दिल जीत लेंगे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अभी मैं चैल के बीच मार्केट में हूँ। चैल में घूमने की बात की जाए तो आपको बहुत सारी जगह हैं, जैसे चैल पैलेस के बारे में मैंने आपको बताया था। चैल पैलेस का निर्माण जो है वो पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने किया था। अंग्रेज़ों ने जब भूपेंद्र सिंह को शिमला में आने से रोक दिया था, उन्हें बैन कर दिया था, तो उन्होंने अपने लिए चैल पैलेस का निर्माण किया था। चैल में 1891 में उसका निर्माण हुआ था, लगभग ये 7 एकड़ में फैला हुआ है चैल पैलेस। तो चलिए, अभी मैं कुछ देर में टैक्सी बुक करने वाला हूँ चैल घूमने के लिए। और चैल में ऐसे घूमने की जगहें हैं, चैल पैलेस है, और काली का टिब्बा है, काली जी का मंदिर है, और कौन सी जगह है वो टैक्सी वाले से मैं पूछूंगा। तो चलिए थोड़ा आपको चारों तरफ घूम कर चैल मार्केट दिखा दूँ। यहाँ पे काफी बंदर भी हैं, देखिए आप, छोटे छोटे बंदर। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे जस्ट लोकल एक भैया से पता किया है, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही चैल पैलेस है, और वहाँ पे कुछ एंट्री फी लगता है। और चैल पैलेस काली का टिब्बा के अलावा यहाँ पे चैल क्रिकेट स्टेडियम है घूमने के लिए, और एक शिव जी का टेम्पल बता रहे हैं। तो मैंने अभी एक टैक्सी वाले भैया से बात की है, उन्होंने लगभग मुझे 1000 बोल रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं ये चारों जगह घुमाने की। और चैल पैलेस तो जैसे कि भैया बता रहे थे कि आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो पहले मैं टैक्सी से काली का टिब्बा, हाँ, और क्रिकेट स्टेडियम जो है चैल का वहाँ, और एक शिव जी का टेम्पल बता रहे हैं वहाँ घूम लेता हूँ। उसके बाद मैं लौट कर यहाँ से चैल का यह मार्केट है, इस मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है चैल पैलेस, उसके बाद मैं चैल पैलेस जाऊंगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं पहुँच कर। पहले तो मैं जा रहा हूँ काली का टिब्बा में टेम्पल। ठीक है, चलिए जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। वैसे आज का वेदर बहुत ही क्लियर है और बहुत ही साफ़ है, और धूप खिली खिली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1 hour later. दोस्तों, काली का टिब्बा मंदिर से 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे मैंने अभी भैया से बोल कर टैक्सी रुकवाया। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, ऊपर आपको काली का टेम्पल टिब्बा टेम्पल वहाँ पर दिख रहा हो, काली मंदिर, और यहाँ से वैली का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि कम से कम आपको ये व्यू दिखा दूँ। देखो आप लोग, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही औसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अच्छे से देखो आप लोग, उधर मेरी टैक्सी खड़ी है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है ये, और ये चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, यहाँ पे जंगली जानवर भी रहते हैं। बहुत ही औसम व्यू है, काफ़ी घना जंगल है। देखो आप लोग, आपका ये जो है
आपको मंत्र मुग्ध करने वाला ये व्यू है। मुझे तो ये जगह बहुत ही सुंदर लगी, काफ़ी शांत है, काफ़ी एकांत है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। सच में ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ऊपर की ओर जो है वो है काली का टिब्बा टेम्पल, और नीचे पूरी घाटी है, खतरनाक घाटी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काली का टिब्बा टेम्पल में, जो काफ़ी हाइट पर टेम्पल है, और सामने आप देख रहे हो काली माता का मूर्ति। और ये चलिए आपको दिखाते हैं, काली का टिब्बा टेम्पल से आपको पूरे वैली का, चैल वैली का व्यू बहुत ही सुंदर है। आइए आपको पहले मैं वो भी दिखा देता हूँ, पहले दर्शन कर लेते हैं माता जी के। जय माता दी, जय माँ काली। दोस्तों माता रानी के दर्शन तो हो गए, अब आपको मैं काली के टिब्बा टेम्पल से ये जो व्यू है, वाह सच में ये व्यू देख कर ना, सच में इसे क्या मैं बताऊँ, बहुत ही सुंदर व्यू है। और अभी मैंने टैक्सी वाले भैया से पूछा था, उन्होंने बताया कि यहाँ से आपको सोलन, नौराधार, सिरमौर, यहाँ तक कि चूरधार की पहाड़ियाँ भी बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत क्लियर दिखती हैं। आइए आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। अभी रास्ते में टैक्सी वाले भैया ने मुझे चूरधार का पिक दिखाया था, वहाँ पे अभी भी बर्फ़ था। ये देखिए यहाँ से सोलन, कसौली, नौराधार सब दिखता है, शिमला भी यहाँ से दिखता है। भैया ने मुझे सब दिखाया था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन कौन सी जगहें हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि सारा चीज़ यहाँ से दिखता है। और व्यू क्या मैं बताऊँ आपको, आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही सुंदर, ऑसम। और क्योंकि आज वेदर बहुत क्लियर है, बादल नहीं छाए हैं, धूप निकली है, इस कारण से आप सब चीज़ बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आना अपने वर्थित है। नौराधार में ट्रैक नहीं कर पाया उसका अफसोस है, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, वाह बहुत ही सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दोस्तों, इस मंदिर की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी घेराबंदी जस्ट लाइक किला जैसी है। चारों तरफ किले जैसी घेराबंदी है। Thank you.